जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है और इन्हीं ऑपरेशन की वजह से भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को कई बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कई बड़े आतंकी मारे गए हैं तो कई खूंखार आतंकियों ने सेना के आगे घुटने टेक दिए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर पुलवामा से सामने आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार करके उसके पास से हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। पुलिस के एक प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस, सेना और CRPF ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के एंड्रोसा क्रू इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। प्रवक्ता ने कहा, तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक बाग में कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी, जहां से एक संदिग्ध व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया। प्रवक्ता ने ये भी बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान क्रूर के मंडकपाल निवासी शाहिद अहमद खांडे के रूप में हुई है। पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य संवेदनशील सामग्री बरामद की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो एक सक्रिय आतंकवादी है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।